दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक ऐतिहासिक प्लेस के यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक धरोहर है, महात्मा गांधी जी के साथ ये जुड़ा हुआ है। आज है 2nd October, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बातें हैं। हम आ चुके हैं आज यहाँ पे आगा खान पैलेस में, जो कि ऐतिहासिक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेस है। और ये आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है गांधी जी की जयंती। जी हाँ, सिर्फ आज ही उन्हें यहाँ पे याद नहीं करना है, तो हमें उन्हें सालों साल याद रखना है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सिखाई हुई जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए आज इस बारे में जानते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे बापू जी से। बापू जी, हाँ, हमारे बापू हैं, बात करते हैं उनके बारे में एंड देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें करेंगे, किस तरह से उन्हें नमन करेंगे। कस्तूरबा जी के बारे में भी जानेंगे और इस यूनेस्को की नेशनल, इंटरनेशनल, हम कहेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर आते हैं और आप सभी से रूबरू होते, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो आज हम आए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, यूनेस्को ने यहाँ पे इस प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, तो इसी प्लेस में आते हैं, डिस्कस करेंगे, सीखेंगे बापूजी से, उनकी कहानियों से और उनके सारी चीज़ों से। चलिए, आप सभी का स्वागत है आगा खान पैलेस में। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में। आज हम 2nd October मतलब गांधी जयंती के अवसर पर, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इनकी जयंती, गांधी जी के जीवन से जुड़े काफ़ी जो खास अध्याय पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों तो पहले जान लेते हैं कि आगा खान पैलेस की हिस्ट्री क्या है। देखो, आगा खान पैलेस एक ऐतिहासिक पैलेस है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, और इसमें खास बात इसलिए क्योंकि ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए महात्मा गांधी की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। आगा खान पैलेस की हिस्ट्री देखें तो इसका निर्माण 1892 में हुआ था। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा बनाया गया था। ये आपको बताओ कि भयंकर अकाल उस टाइम पे चला था इंडिया में एंड उसी टाइम पे इसे बनाया गया था, और ये ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी काफ़ी रखता है। लेकिन इस पैलेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जगह पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में काफ़ी सारी घटनाएं हुई और इसका ये साक्षीदार भी है। इसलिए इस पैलेस के बारे में आपको बताने के बाद अब मुझे लगता है कि हमें गांधी जी के बारे में और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में थोड़ी और भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस पैलेस ने उन सिद्धांतों को, उन विश्वासों को यहाँ पे उजागर रखा है और जीवित रखा है, और आज यहाँ पे आके हम इसे फील भी कर सकते हैं। तो हम आज पुणे शहर के आगा खान पैलेस में, जैसे मैंने आपको बताया, और आगा खान पैलेस के बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखी। आज देखो, आज है 2nd October, दैट इज़ यू नो गांधी जयंती, तो आज हमारे बापू जी की जयंती है। तो इस बापू जी की जयंती के अवसर पर हम क्या करेंगे, चलिए जरा सीखते हैं कि बापू ने एक्चुअली क्या चीज़ें करी है, क्या काम किया है, उनके क्या विचार रहे हैं। जरा आपसे ज़रा आराम से बैठ के बात यहाँ पे करेंगे। आज हम आ चुके हैं पुणे के मशहूर आगा खान पैलेस में, जैसे आपको बताया। देखो, इम्पोर्टेंट ये बात है कि आगा खान पैलेस में कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण समय यहाँ पे बिताया था। तो चलिए आज जानते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन, उनके संघर्ष और इस पैलेस के साथ उनके कुछ जुड़ाव के बारे में। दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो भारत को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को भी उन्होंने फैलाया है, और उनके नेतृत्व में भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी भी हासिल की। आप सबको पता है, ओके, कोई बताने की बात है नहीं है। लेकिन आज हम इन पहलू पर बात आपसे करने वाले हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी और उनके साथियों को आगा खान पैलेस में ब्रिटिशों ने नज़रबंद कर दिया था। उनके साथ कौन थे, उनके साथ कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी, उनके साथ उनके कनिष्ठ मित्र जिसे हम कहेंगे, उनके साथ ही महादेव देसाई भी उनके साथ थे। तो यहीं पर 1944 में कस्तूरबा गांधी का निधन भी हुआ था, उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं, जो गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ी दुखद पल था उस टाइम पर। अब बात यहाँ पे करते हैं कस्तूरबा गांधी जी के बारे में, ओके, जो सिर्फ महात्मा गांधी जी की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ कदम कदम पर मिलाकर चलने वाली एक महान महिला भी थी। कस्तूरबा ने भारत के गांव में जाकर शिक्षा, स्वच्छता और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम भी किया था। जब गांधी जी आंदोलन में जेल जाते थे, तब कस्तूरबा पूरे संघर्ष को आगे बढ़ाती थी। उन्हें बा के नाम से भी जाना जाता है, और गांधी जी की हर यात्रा में उनकी शक्ति वो रही है। दोस्तों, आगा खान पैलेस एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये गांधी जी के संघर्ष और उनके परिवार के बलिदान की एक निशानी रही है। यहीं पर महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था, जिसे मैंने आपको बताया, और गांधी जी ने यहाँ पर अपने जीवन के कई कड़वे और कठिन पल बिताए हैं। यहाँ पे पुणे करार भी हुआ था हिस्ट्री में, अगर बात करते गांधी आयरविन करार भी इसका एक साक्षीदार रहा है। गांधी जी का योगदान सिर्फ भारत की आज़ादी तक सीमित नहीं है, उन्होंने हमें सत्य अहिंसा का पाठ भी पढ़ा है। चाहे वो दांडी मार्च हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, हर कदम पर गांधी जी ने हमें काफ़ी यहाँ पे प्रेरणा दी है, और इसी के बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर रहे थे।
तो ये प्रेरणा काफी अच्छी रहेगी आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने के लिए। गांधी जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, लेकिन आप सबको पता है कि कस्तूरबा जी उनके लाइफ में काफी एक बड़ा पार्ट रहा है। तो आगा खान पैलेस में कस्तूरबा जी के बारे में हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कस्तूरबा जी की समाधि है। जी हाँ, महादेव देसाई जो उनके साथी रहे हैं और कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी रही है महात्मा गांधी जी की, उनकी समाधि यहाँ पे है आगा खान पैलेस पुणे में। जरा देखेंगे, जानेंगे कस्तूरबा जी के बारे में, चलिए। 1944 में कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था, जो कि आगा खान पैलेस में हुआ था, जिन्हें बा भी कहा जाता है, जिन्होंने गांधी जी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई थी। वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी बल्कि उनके संघर्ष के साथी और प्रेरणा भी रही हैं। दोस्तों, आप इस जगह की दीवारों पर गांधी जी और कस्तूरबा जी के जीवन से जुड़े हुए कई चित्र देख सकते हैं। ये चित्र हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब गांधी जी और कस्तूरबा ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कस्तूरबा का गांधी जी के जीवन में क्या योगदान था। चलिए जानते हैं कस्तूरबा गांधी जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, आइए। तो चलिए देखते हैं, आज देखेंगे महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनकी समाधि आगा खान पैलेस में। महात्मा गांधी जी की यह रही समाधि, यहाँ पे उनकी अस्थियां है, यहाँ पुणे में भी है और राजघाट दिल्ली में भी है। और भी देखेंगे इसी प्लेस के ऊपर, आपको मैं बता दूं कि कस्तूरबा जी गांधी एंड महादेव जी देसाई, इनकी भी समाधि यहाँ पे है। चलिए देखते हैं। ये है महादेव जी देसाई, इनकी समाधि जो उनके साथी रहे हैं, एंड ये है कस्तूरबा गांधी जी की समाधि जहाँ पे उन्होंने अपना जीवन जो है अंतिम सांस उन्होंने यहाँ पे ली थी। तो आज जरा बात करते हैं महात्मा गांधी जी के अलावा उनके जो साथी रही हैं, उनके जो जीवन संगिनी रही है कस्तूरबा गांधी जी के बारे में। तो आपको तो वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, कठिन जीवन यात्रा में कदम कदम पर महात्मा गांधी का साथ कस्तूरबा ने यहाँ पे निभाया था। सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते चलते कस्तूरबा गांधी जी ने महात्मा गांधी को काफी साथ दिया। गांधी जी के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हुए आंदोलन में कस्तूरबा ने भी काफी बड़ा हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने विरोध जताया और उन्होंने जेल भी उन्हें वहां पे जाना पड़ा। देखो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बात करते पति पत्नी के बारे में, तो एक कस्तूरबा गांधी हमेशा से आत्मशक्ति रही है महात्मा गांधी जी के बारे में। हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में कि एक्चुअली उन्होंने काम किया क्या है। ओके, उन्होंने स्वतंत्र सेनानी वो डेफिनेटली रही है, लेकिन उन्हें दक्षिण अफ्रीका में, भारत में दोनों आंदोलनों में महात्मा गांधी का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। 1930 में दांडी मार्च के बाद नमक सत्याग्रह के दौरान भी उन्होंने महिलाओं को संगठित कर ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जनता को प्रेरित भी उन्होंने यहाँ पे किया था, महिलाओं को कहा था आइए और इस भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे आते हैं। कस्तूरबा गांधी का कार्यक्षेत्र सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं होता, उन्होंने समाज सुधार के लिए काफी काम किया, जैसे महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है, बच्चों की शिक्षा के बारे में उन्होंने काम किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, गांधी जी हमेशा से विचार रहे हैं कि हमें छू अछूत जातिगत भेदभाव नहीं करने हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो कस्तूरबा गांधी जी ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का प्रसार किया और महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने गरीब और वंचित वर्गों की मदद के लिए काफी सामाजिक सेवाएं भी करी हैं और यही जो है प्रेरित करता है भारत की लाखों महिलाओं को कि किस तरह से हम अपने खुद को अपने काम घर काम छोड़ के अपने देश के लिए यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। तो ये उनकी जो बड़ी भूमिका रही है इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी का जितना बड़ा कार्य है उतना ही बड़ा कार्य कस्तूरबा जी का भी यहाँ पे रहा है। तो आज के दिन 2 अक्टूबर 2024 आज है, 155वीं जयंती है गांधी जी की, लेकिन उसी के साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि कस्तूरबा जी का भी उतना ही योगदान रहा है। दोस्तों, हमने बातें तो काफ़ी करी है आगा खान पैलेस के हिस्ट्री के बारे में, महात्मा गांधी जी के योगदान के बारे में और कस्तूरबा गांधी जी के बारे में भी, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपकी लाइफ में गांधी जी कितनी इंपॉर्टेंस है। देखो, गांधी जी काफ़ी धैर्यवान थे, गांधी जी काफ़ी डिसिप्लिन भी थे, तो ये आपकी लाइफ में लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसीलिए अनुशासन और नियमितता रखना आपके पढ़ाई में काफ़ी मैटर यहाँ पे करेगा, जो गांधी जी ने अपनी लाइफ में रखी है। इसलिए छोटे छोटे कदम लेके, स्मॉल स्टेप जो होते हैं वो लेके आप अपने गोल को हासिल कर सकते हो। जैसे अपना 10th का टारगेट है, देखो अगर आप आज से ही अपना टाइम टेबल सेट करते हो, नियमित पढ़ाई करते हो, तो कोई भी परीक्षा आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। जी हाँ, गांधी जी ने ये भी कहा है कि असफलता से डरना नहीं है, ओके, क्योंकि डर के आगे जीत है। गांधी जी ने हमें सिखाया था कि असफलता जीवन का असली हिस्सा है। जब गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया तो उन्होंने बहुत संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार मानी बिल्कुल नहीं।
तो दोस्तों आपकी पढ़ाई में कई बार ऐसा होगा कि भाई आज पढ़ाई नहीं हो रही है, कभी बात समझ में नहीं आ रही है, शाम को पढ़ाई करूँ, रात को पढ़ाई करूँ, सुबह पढ़ाई करूँ, कब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पढ़ाई करते रहना है, मेहनत से आगे बढ़ते रहना है, तभी जाके आप अपनी गलती से यहाँ पे सीख सकोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट वाली बात कि आत्मविश्वास काफ़ी महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता पे बहुत जोर दिया था, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। उसी तरह आपकी पढ़ाई और जीवन में भी आत्मनिर्भर आपको होना पड़ेगा। ओके, जब आप पढ़ाई करते हो तो दूसरों पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है, दूसरों के नोट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, दूसरों ने रटा हुआ जो चीज़ है वो आप खुद ने रटनी है, खुद का दिमाग इस्तेमाल करके अपने पढ़ना है। देखो सत्य मतलब क्या भाई, ट्रूथ एंड ईमानदारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। ओके, गांधी जी ने हमेशा इन दोनों को साथ में लेके चला है कि आप ईमानदार रह सकते हो अपनी पढ़ाई के दौरान, शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करो। ओके, ईमानदारी से हार्डवर्क करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और ईमानदारी से कई की गई मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। तो आप जितनी सच्चाई से अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लोगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आज महात्मा गांधी जी के इस जन्मदिन के अवसर पर क्या करना है, हमें अनुशासन, आत्मविश्वास, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। और याद रखिए, जीवन में अगर सफल होना है या फिर वही सफल होगा जो मेहनत से नहीं डरता और कभी हार नहीं मानता। सो जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।